आगरा पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सैया पुलिस और CIW की संयुक्त टीम ने 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से दोनों कारों से लगभग 1 क्विंटल 40 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। कड़ी पूछताछ में गांजा तस्करों ने बताया कि 1800 रुपए किलो के हिसाब से विशाखापट्टनम और उड़ीसा से गांजे की खेप लाकर आगरा व अन्य जिलों में 7000 से 8000 में और अन्य जनपदों में बेचा करते थे। वहीं आरोपियों के पास से तमंचा, मोबाइल, 2 कारें बरामद हुई। अब आगरा पुलिस ने गांजा तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। आगरा से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दिनांक 29 जुलाई 2022 को CIW टीम जो जनपद आगरा की है और थाना संया की टीम, इन्होंने ज्वाइंटली चेकिंग इन्होंने किया और इसी चेकिंग के दौरान एक गांजे की बड़ी खेप बरामद की है, जिसमें 140 किलो गांजा बरामद हुआ है और साथ में 6 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। जो प्रारंभिक पूछताछ है, इन्होंने ये बताया कि ये जो गांजे की खेप है, ये बेसिकली विशाखापट्टनम और उड़ीसा से ले आते हैं और आगरा और आगरा के आसपास के जनपदों में इसको खपाते हैं। जो गांजा इन्होंने खरीदा है वो बहुत सस्ते रेट में खरीदा, उन्होंने बताया कि 1800 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा है और जो इसको बेचते हैं वो 7000 से लेकर 8000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसको बेचते हैं। और जो इसमें पकड़े गए अभियुक्त हैं, उनके पास से 7 मोबाइल बरामद हुए हैं, कुछ रुपये बरामद हुए हैं, 2 तमंचे बरामद हुए हैं और साथ के साथ इसमें 2 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। इसकी सारी हम गहनता से और पूछताछ कर रहे हैं और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में हम ले आएंगे। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगर आपको दो ऐसी ही खबरों से तरोताजा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द नेटगन न्यूज को जरूर देखें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।